मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी. हम लोग अभी जस्ट नाश्ता करके तैयार होके निकले हैं. और देखो यार, व्यू देखो यहाँ पे, इट्स अल्टीमेट, राइट. तो या आज का प्लान है कि लोकल साइट सीइंग, जिसमें दो तीन स्पॉट्स है, तो हम लोग का ड्राइवर हमें बता देगा. या कल रात को जो खतरनाक ठंडी हो गई थी ना, बहुत लग गए थे. उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग ने सब वार्म कपड़े पहनने के बाद थोड़ा अच्छा नींद हुआ. तो या नींद तो कंप्लीट हो गया, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, लेट्स गो. वी आर प्लेइंग जायंट चेस हियर. ये हमारे होटल के टेरेस पे ये उन्होंने रखा हुआ है विद द वैली व्यू. With you I'm singing the song. Let me feel I'm all yours. I just wanna hold you close again, again. While going to our first spot, that is Kempty Falls, we halted at this place for just for the view. अभी माउंटेन्स में आए हैं तो जहाँ जहाँ पे व्यू मिले वहाँ पे फोटो और वीडियोग्राफी तो बनती है. क्या बोलते हैं, हैविंग फन? अल्कोहल फॉर द शॉपिंग. यहाँ पे ऑर्गेनिक साड़ीज मिलती है, केले के छिलके का वगैरह बनता है. Got some stuff for mommies. Abhi chalte next spot pe. Ye hai Kempty Falls ka market place. To yahan se thoda sa niche jaake, yahan pe Kempty Falls hai, yahan se upar se girta hai. To niche ki taraf hum log jaane ka try karenge jitna ho sakta hai, jidhar tak rasta hai udhar tak hi obviously. Aur try karenge acha photo nikalne ka. अभी कुछ एक बजा है और खाना ऐसा भूख तो नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ब्रेकफास्ट ही इतना मजबूत किया है कि अभी खाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इतना अभी फटाक से भूख नहीं लगा, तो मोस्टली अभी नेक्स्ट स्पॉट करके उसके बाद फिर खाना खाएंगे, या फिर मॉल रोड पे, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है. So this is Kempty Falls for you guys. अच्छा place है यहाँ पे, और आगे थोड़ा नीचे भी जा सकते हो फॉल की तरफ. ये पूरा और वहाँ पे नीचे कुछ 150 फीट का है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो. अभी हम लोग देखते हैं वहाँ से नीचे जाने का अगर कुछ रहेगा तो देखें, या फिर फोटो वगैरह निकाल के निकलते. सो हियर इज़ अ सेकेंड स्पॉट, दैट इज कंपनी बाग. यहाँ बाग नाम से ऐसा लगता है कि दो तीन गार्डन्स रहेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा सजाया हुआ रहेगा, दो तीन अच्छे प्लांट्स भी रहेंगे, और व्यू रहेगा ऑब्वियसली वैली का. तो 25 रुपीज़ का पर हेड टिकट है. देखते हैं अंदर जाके क्या है. यहाँ पे GST वगैरह नहीं था जैसे कल था वो लेक के. यहाँ पे शॉपिंग. बाग में वैसे कुछ ज़्यादा प्लांटेशन नहीं है, जो भी है वो उसको भी प्रॉपर पानी मिला नहीं है शायद से, लेकिन ठंडी बहुत है यहाँ पे. धूप आने का कोई चांस ही नहीं है, ये वैली में है तो बहुत हालत ख़राब हो रही है. पूरे हाथ
नम बोरे मारुति 800 को पूरा बगीचा बना दिया है। अरे धूप दे दो कोई तो। ओहो ये गार्डन बहुत सही है देखो, लेकिन यहाँ पे ठंडी बेर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज धूप ही नहीं आ रहा है और सारे झाड़ है और पानी भी है, तो उसकी वजह से और फट रही है। फटाफट देख धूप में चले जाते हैं। चलो अभी घूम लिया चलते यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा अम्यूजमेंट, दो तीन राइड्स है बच्चों के लिए, वैक्स म्यूजियम है, फिर वहाँ पे कल जैसा हॉन्टेड हाउस भी है। तो या मतलब ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा सा और गार्डनिंग होना चाहिए था क्योंकि मतलब बहुत कम है जितना भी है, और या थोड़ा सा और ज़्यादा फूल का वराइटीज़ और वो सब आ जाता था और मज़ा आ जाता था। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी चलते हैं और खाना खाते हैं, बहुत भूख लगा है बिकॉज सुबह से हम लोग ने वो सुबह दबा के नाश्ता कर दिया था, तो उसकी वजह से भूख नहीं लगा था, अभी भूख लगा है घूम के। तो ये है मसूरी लाइब्रेरी चौक, यहाँ से मॉल रोड चालू होता है और जहाँ पे हम लोग का स्टे है वहाँ पे मॉल रोड ख़त्म होता है। तो कल हम लोग जो लाइट गए थे उसकी वजह से आधे तक आए थे, तो इसलिए हम लोग ने सोचा ड्राइवर को यहीं पे ड्रॉप करने के लिए, और यहाँ से हम लोग अभी हमारे होटल की तरफ जाएंगे, थोड़ा पहले धूप सेक लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चार बज गए तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का कैंटीन बंद हो गया है, तो यही कहीं पे मैगी वैगी खाना पड़ेगा, देखते हैं। चीज़ें मिला है और फ्रिज मैग्नेट भी मिला है, वो लेके अभी निकल रहे हैं। ठंडी बढ़ने लगा है क्योंकि सनसेट हो चुका है, और सनसेट होने के बाद यहाँ पे जो ठंडी बढ़ता है माँ कसम। अभी फटाफट होटल जाना पड़ेगा और मंकी कैप पहनना पड़ेगा क्योंकि कान में हवा जा रहा है, फिर भी मैंने ये पूरा बंद कर दिया है लेकिन हाथ तो जमा हो ही रहा है। कुछ तो गर्म वगैरह सूप वगैरह पीते, अंदर बॉडी में गर्मी होना चाहिए, नहीं तो चाय या कॉफ़ी वॉट एवर। अच्छा यहाँ पे मसूरी में एक लवली ऑमलेट वाला है, उधर मस्ट ट्राई हिज ऑमलेट, बहुत फेमस है बोलते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं ट्राई करने के लिए। चीज ऑमलेट। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए घूमते रहो, घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइस।